नमस्कार, मैं हूं कुंदन साहू। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, उपचार के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो किडनी स्टोन एक प्रकार का क्रिस्टल होता है जो खून में कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड की अधिकता होने पर किडनी से छान नहीं पाता और वह क्रिस्टल के रूप में किडनी पर जमा हो जाता है। इसे किडनी स्टोन कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, ऑक्सीलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और कैल्शियम स्टोन। आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। तो इसका पहला कारण होता है अनुवांशिक, मतलब अगर हमारे पूर्वज को, माता पिता को, दादा दादी को, किसी को स्टोन हुआ हो पहले तो हम लोगों को भी स्टोन हो सकता है। दूसरा है भौगोलिक कारण। किसी किसी क्षेत्र में जहाँ के पानी में या मिट्टी में यूरिक एसिड, ऑक्सीलेट, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, उस क्षेत्र में किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होता है। तीसरा कारण है आहार। यूरिक एसिड युक्त आहार लेने पर, अधिक कैल्शियम युक्त आहार लेने पर, ऑक्सीलेट युक्त आहार लेने पर पथरी होने की संभावना ज्यादा होता है। जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, टमाटर और बीज वाले फल सब्जी में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। मांस मछली मटन में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, तो इसको अधिक मात्रा में लेने पर किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है। चौथा है मेडिसिन, यानी कि दवाई। कुछ कुछ दवाई जैसे कि कैल्शियम की दवाई ज्यादा लेने पर कैल्शियम स्टोन होने की संभावना अधिक रहती है। अब आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो किडनी स्टोन में पीठ के निचले हिस्से में पीछे की तरफ से दर्द होते हुए पेट के निचले हिस्से में सामने की तरफ दर्द होता है और साथ में बार बार पेशाब होता है। पेशाब जाने पर पेशाब ढंग से नहीं खुलता, पेशाब में जलन होता है एवं पेशाब से खून आता है। पेशाब जो है लाल अलसी के तेल की तरह लाल रंग का दिखता है। और किडनी स्टोन में जो दर्द होता है वो बहुत तेज होता है, खासकर पेशाब करते वक्त ज़्यादा होता है। किडनी स्टोन को डायग्नोस करने के लिए बताए गए लक्षण किसी व्यक्ति को दिखने पर डॉक्टर सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। सोनोग्राफी से किडनी स्टोन के साइज, उसके प्रकार और उसकी स्थिति कि वह कहाँ पर है, इस सभी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके हिसाब से डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में। इसके एलोपैथिक उपचार में कोई स्पेशल दवाई नहीं है। डॉक्टर्स दर्द, एंटीबायोटिक्स और एल्कलाइजर वगैरह, डायबिटिक्स वगैरह देते हैं और जिससे छोटा मोटा जो पथरी रहता है वो बाहर निकल जाता है। ज़्यादा बड़ा होने पर इसे लिथोटिप्सी या सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेदिक में एक सिरप होता है, नेरी सिरप। नेरी सिरप से भी छोटा मोटा जो पथरी है, 7 इंच तक का पथरी है, वह बाहर निकल जाता है। इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेना है। अब आइए जानते हैं इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। होम्योपैथी में पथरी का बहुत ही अच्छा उपचार है। इससे 15-16 mm तक का पथरी भी आसानी से निकल जाता है। तो होम्योपैथिक दवाई में पहला तो है बल्बेरिस वल्गेरिस क्यू, मदर टिंचर में रहता है। इसको 15-15 बूंद 3 बार आधा या 1 कप पानी गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है।
दूसरा है सरसा पड़ेला मदर टिंचर क्यू पावर में, इसको भी सेम बल्बरिस बल्गेरिस की तरह ही लेना है। साथ में रिनाकॉल सिरप दो दो चम्मच तीन बार, साथ में कैल्कुलिन टेबलेट एक एक टेबलेट तीन बार, ये सभी दवाई लगभग 2 से 3 महीने तक लेना है। पथरी के साइज के हिसाब से, अगर छोटा हो तो 1 महीने 1.5 महीने में भी ठीक हो जाता है, अगर बड़ा हो तो 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो धैर्य के साथ और परहेज के साथ ये दवाई लेना है। होम्योपैथिक दवाई में खट्टा नहीं खाना है, कच्चा लहसुन कच्चा प्याज नहीं खाना है, और जो कैल्शियम और यूरिक एसिड या ऑक्सलेट युक्त जो आहार है, जो मैंने पहले बताया पत्ता गोभी पालक टमाटर बीज वाले सब्जी फल, ये सब चीज़ें कम मात्रा में सेवन करनी है। पानी अधिक मात्रा में पीना है, क्योंकि कम पानी पीने की वजह से भी पथरी होने की संभावना अधिक रहती है, और अगर पथरी हो गया है तो ज़्यादा पानी पीने से पथरी जल्दी निकलने की संभावना रहती है। दवाई तो लेना है वो लेना ही है, साथ में पानी भी अधिक मात्रा में लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।